145 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम एक पहले लाइन खींच लें, यही बताया मैंने। उसी लाइन पे हम एक कोई ओ केंद्र बना लेंगे, ओ, और उस लाइन का हमने नाम रख दिया बी और सी, रख दिया। उसके बाद आपने एक चाप लगाया आर्क, वी मेक अ आर्क ऑन द लाइन बी सी, और वो जो केंद्र होगा वो होगा ओ। एक चाप दिया, दूसरा मैंने, उसी लाइन पे हम एक कोई ओ केंद्र बना लेंगे, ओ, और उस लाइन का हमने नाम रख दिया बी और सी, रख दिया। उसके बाद आपने एक चाप लगाया आर्क, वी मेक अ आर्क ऑन द लाइन बी सी, और वो जो केंद्र होगा वो होगा ओ। एक चाप दिया, दूसरा आर्क दिया, और उस आर्क को हमने बढ़ा दिया, और ये आपका बन गया 90 डिग्री। समकोण एक बन गया, एक समकोण बन गया। अच्छा, ये जो समकोण बना वो है एंगल, यहां पे मैं लिखती हूं एंगल ए ओ और सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ये जो है 90 डिग्री आपका हो गया। अगर हम इन दोनों को 90 का अगर हम आधा कर लें, लाइन ए ओ को, ए ओ से एक आर्क खींचा, और लाइन बी ओ, बी ओ से एक आर्क खींचा, और जहां ये कटा इसको हमने पी नाम दे दिया, और उसको अगर हमने मिला लिया तो फिर हम चांदे से नापेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर से हम नापेंगे कि यह कितने डिग्री का बना। कोई बताएगा कितने डिग्री का बना?